हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन बाय सिल्की अग्रवाल। टुडेज टॉपिक इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच इज टेकन फ्रॉम द मेडिसिनल केमिस्ट्री एमएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिनॉप्सिस इन विच वी विल स्टडी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, टू रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें आएगा लोकल एक्शन और सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन में स्टडी करेंगे टॉपिकल रूट, डीप टिश्यू रूट, आर्टेरियल रूट, और सिस्टेमिक एक्शन में स्टडी करेंगे ओरल रूट, बकल रूट, रेक्टल रूट, क्यूटेनियस रूट, इन्हेलेशन, नसल रूट, पेरेंटेरल रूट, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्या है? मीन्स ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कि ड्रग को हमको जिस पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंचाना है, ठीक है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ रूट्स होंगे। जैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन में दिया था प्रीवियस, है ना, तो जो जिसने भी ड्रग एब्जॉर्प्शन की वीडियो नहीं देखी है वो एक बार जाकर प्रीवियस वीडियो को चेक कर सकता है। उसमें ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो रूट है उसको बहुत अच्छे से बताया गया है, ठीक है, मतलब मैंने एक्सप्लेन किया है उसको, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, तो उससे कुछ आइडिया आ जाएगा कि रूट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो जैसे ड्रग एब्जॉर्प्शन में क्या बताया था कि जो हम लेते हैं, ठीक है, ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है तो उसके लिए कौन कौन से रूट हम ले सकते हैं, वैसे ही एक जनरल सा क्वेश्चन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मीन्स अगर हम इन द सेंस कि ह्यूमन बॉडी अगर ड्रग को कंज्यूम करती है तो किस किस रूट से कर सकती है, मीन्स कहाँ कहाँ से ड्रग हमारी बॉडी के अंदर तक जा सकता है। The administration of drug depends both on drug as well as patient and can take place by a variety of routes. Drug administration क्या बोल रहा है कि वो एक या तो ड्रग पे डिपेंड, वो या तो नहीं ड्रग पे डिपेंड करता है और पेशेंट दोनों पे ही डिपेंड करता है कि ड्रग कैसा लेना है हमको। ये हम अगर हमको ड्रग लेना है, ठीक है, किसी भी ह्यूमन बॉडी को अगर ड्रग लेना है तो वो ड्रग कैसा होगा एक वो भी डिपेंड करेगा, और जो पेशेंट उसको ले रहा है वो उस पे भी डिपेंड करता है। और ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो रूट होता है वो वैरायटी ऑफ रूट्स होता है, मीन्स का बहुत सारे वैरायटीज़ होते हैं जिन रूट से वैरायटी ऑफ रूट्स होते हैं जिनके थ्रू ह्यूमन बीइंग ड्रग को कंज्यूम कर सकता है। द फॉलोइंग टू रूट्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो, और यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे तो उसमें दो टाइप के रूट की स्टडी करेंगे, एक है लोकल एक्शन, एक है सिस्टमिक एक्शन। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स क्या होगा कि हम कि ह्यूमन बॉडी जब ड्रग को लेती है, कंज्यूम करती है, तो कौन कौन से रूट से कंज्यूम करती है, इस चीज़ को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के रूट्स को स्टडी करेंगे, जो कि एक होगा लोकल एक्शन और एक होगा सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन एंड सिस्टेमिक एक्शन, तो लोकल एक्शन क्या होगा, लोकल एक्शन मीन्स कि अगर ह्यूमन बॉडी है तो उसके किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको एक्शन कराना है ड्रग का, ठीक है, जैसे कि कोई अगर पर्टिकुलर एरिया मीन्स किसी एक जगह पर एक डिसीज़ हो गया है या फिर कुछ लग गया है, ठीक है, या फिर वहाँ पे पेन हो रहा है, तो वो एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको ड्रग का एक्शन कराना है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराएंगे पहले, ठीक है, ड्रग को क्या करेंगे किसी रूट से भेजना पड़ेगा ना, तो उसको रूट से भेजेंगे। तो लोकल एक्शन मीन्स क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर हमको किसी ड्रग का एक्शन कराना है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम जो रूट्स यूज़ करेंगे ना तो वो लोकल एक्शंस के अंदर आएंगे, ठीक है। और अगर सिस्टेमिक एक्शन बोल रहा है तो उसमें क्या होगा कि अगर हमको पूरे होल बॉडी में, ठीक है, पर्टिकुलर एरिया पे नहीं होल बॉडी पे अगर हमको ड्रग का एक्शन कराना है तो वो किस किस रूट से हम उसको करा सकते हैं, तो वो रूट जो आएंगे वो सिस्टेमिक एक्शंस के अंदर आएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे दोनों में दोनों को डिफ्रेंशिएट करना ये करके कि लोकल एक्शन मीन्स क्या होगा कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे कराना है हमको, लेकिन हमको क्या कराना है पर्टिकुलर एरिया पे किसके थ्रू हमको कराना है, तो वो चीज़ आएगा किस रूट के थ्रू कराना है, तो वो आएगा लोकल एक्शन के अंदर। और पूरे होल बॉडी में हमको कराना है तो वो किसके अंदर आएगा, वो सिस्टेमिक एक्शन के अंदर आएगा। लोकल एक्शन, दिस इज़ अ लोकल रूट ऑफ एक्शन विच रिक्वायर्स हायर कंसेंट्रेशन एट द डिज़ायर्ड साइट विदाउट एक्सपोजिंग द रेस्ट ऑफ द पेशेंट बॉडी। दिस रूट्स आर लोकल एक्शन, तो लोकल एक्शन मीन्स क्या होता है कि लोकल रूट ऑफ एक्शन बोल रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, रिक्वायर करता है हायर कंसेंट्रेशन को डिज़ायर्ड साइट में, मीन्स अगर कहीं पर भी एक ह्यूमन बॉडी है उसको जहाँ पर ज़रूरत है ड्रग की, ठीक है, तो वहाँ पर वो हायर कंसेंट्रेशन की रिक्वायरमेंट करेगा, और वो क्या करेगा,
इसका जो ह्यूमन बींग की जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है, जो अदर बॉडी पार्ट्स है, वहाँ तक वो उसको एक्सपोज नहीं करता है। मीन्स जैसे कि अगर किसी पर्सन को, कोई भी पर्सन है, उसको एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए मेडिसिन चाहिए, उसको अगर हैंड पेन हो रहा है उसका, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए एक मेडिसिन लेगा, तो उसका एक पर्टिकुलर पोजिशन होगा। तो लोकल एक्शन में क्या होगा कि वो एक लोकल रूट से जाता है, जहाँ पर क्या होता है कि अगर जिस जगह पर उसको ज़रूरत है वहाँ पर उसका हायर कंसेंट्रेशन बस वो रिक्वायर करता है। तो अगर उसको हायर कंसेंट्रेशन उस जगह पे मिल जाता है तो वो क्या करेगा, वो पूरे पेशेंट की बॉडी जो है, रेस्ट ऑफ द बॉडी मतलब अदर पार्ट्स में वो एक्सपोज नहीं करेगा। मीन्स जहाँ पे उसको रिक्वायर है वो बस वहीं पर ही जाएगा और कहीं पर नहीं जाएगा। तो अगर कोई भी ड्रग जो है वो क्या होता है, जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है वहीं पर जाता है, जब वो वहाँ पे हायर कंसेंट्रेशन होता है, तो उसको बोलते हैं लोकल रूट ऑफ एक्शन बोलते हैं, ठीक है। और ये रूट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें फर्स्ट है टॉपिकल रूट, फिर है डीप टिश्यू रूट, एंड फिर है आर्टेरियल रूट। तो फर्स्ट यहाँ देखेंगे टॉपिकल रूट। दिस इज़ अ मोर कन्वीनियंट एंड इनकरेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। टॉपिकल रूट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट होता है और इनकरेजिंग एडमिनिस्ट्रेशन होता है ड्रग का। अगर हमको, अगर किसी भी ह्यूमन बींग को ड्रग अगर कंज्यूम करना है तो सबसे बोलना चाहिए कन्वीनियंट, मतलब कि सबसे अच्छा होता है टॉपिकल रूट। द टॉपिकल रूट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग ऑन एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ बॉडी फॉर अ लोकलाइज्ड एक्शन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स। अब टॉपिकल रूट मतलब क्या होता है, तो टॉपिकल रूट मतलब क्या होगा कि बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस में क्या करते हैं, ड्रग को अप्लाई करते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं लोकलाइज्ड एक्शन के लिए, जहाँ पर उसको एक्शन कराना है, तो जहाँ पर उसका एक्शन कराना है, ठीक है, जिस बॉडी के सर्फेस पर उसको एक्शन कराना है उसी एक्सटर्नल सर्फेस पर उस ड्रग को यूज़ करते हैं। तो उसको दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो एक स्किन पे, एक या फिर यहाँ पे दिया म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो स्किन में दिया है, तो फर्स्ट क्या है, ड्रग कैन बी अप्लाइड ऑन स्किन इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट, पाउडर, ऑइंटमेंट, स्प्रे, क्रीम और लोशन एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट मतलब क्या, बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस पे अप्लाई कर सकते हैं उसको, अगर कोई भी, अगर जैसे हैंड पे पेन हो रहा है, तो अगर हैंड पे पेन है उसको रिलीफ करना है तो क्या करेंगे, हैंड पे हम क्या करेंगे, कोई भी हम क्या करेंगे ड्रग उस वो पेस्ट के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, या फिर ऑइंटमेंट के फॉर्म में, या फिर स्प्रे, क्रीम और लोशन के फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको अपने एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटर्नल सर्फेस पे उसको अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमको उसका एक्शन, लोकलाइज्ड एक्शन मीन्स जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वो चीज़ हमको वहाँ पर मिल जाएगा। जैसे अगर हैंड पेन है, तो अगर हैंड पर हम अप्लाई करेंगे उसको तो हमको वहाँ पर पेन में रिलीफ मिल जाएगा। सेकेंड है म्यूकस मेम्ब्रेन। दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड ऑन द साइट ऑफ एक्शन। ये म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या बोल रहा है कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो रूट है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, वो साइट ऑफ एक्शन पे डिपेंड करता है। मीन्स कि कहाँ पे, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है एक टेब्यूलर फॉर्म में, तो जैसे कि जिस साइट पे ज़रूरत है, ठीक है, जिस साइट पे हमको ड्रग को लोकलाइज कराना है, मीन्स ड्रग को पहुँचाना है, ठीक है, तो उस साइट के लिए क्या डोसेज फॉर्म हम यूज़ कर सकते हैं, कि किस फॉर्म में हम उसको ड्रग को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में दिया था स्किन, तो अगर हमको एक्सटर्नल बॉडी सरफेस पे हो रहा है तो एक तो हम स्किन के थ्रू पहुंचा सकते हैं और एक तो हम म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही म्यूकस मेम्ब्रेन जो रहता है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू हम अगर ड्रग को ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर पहुंचाते हैं, तो उसमें उसका साइट जो रहता है वो डिपेंड करता है कि कहां पर उसकी ज़रूरत है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है उसका फॉर्म डिसाइड करते हैं कि जिस जगह पर ज़रूरत है। जैसे स्किन है, तो स्किन पर भी क्या है, पेस्ट, पाउडर, स्प्रे, क्रीम, लोशन, इसके फॉर्म में हम उसको पहुंचा रहे हैं ना, वैसे ही तो म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू अगर हमको पहुंचाना है तो उसके लिए साइट मैटर करता है कि किस साइट में चाहिए, तो उस साइट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं कि उसको किस फॉर्म में पहुंचाना है। तो फर्स्ट है डोसेज फॉर्म में, यहाँ पे गार्गल, माउथ वॉशेज, लॉन्जिसेज एक्सेट्रा, और साइट है माउथ एंड फेरेनेक्स। तो अगर हमको क्या करना है, अगर हमारे पास माउथ या फिर फेरेनेक्स में अगर हमको वो पहुंचाना है, ठीक है, उस ड्रग को पहुंचाना है, तो हम गार्गल्स के थ्रू, माउथ वॉशेज और लॉन्जेट्स एक्सेट्रा, इनके थ्रू हम उसको वहां पे पहुंचा सकते हैं।
फिर सेकेंड है लंग्स, अगर हमको लंग्स में पहुंचाना है ड्रग्स को तो एज इन्हेलेशन, एरोसॉल्स एक्सेट्रा, इन्हेलेशन से भी एरोसॉल से भी हम क्या कर सकते हैं उसको लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। यूरेथ्रा में पहुंचाना है तो इरिटेटिंग सॉल्यूशन, जेली एज लिडोकाइन एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं इसमें, इरिटेटिंग एज अ इरिटेटिंग सॉल्यूशन और जेली एज अ लिडोकेन हम उसको पहुँचा सकते हैं यूरेथ्रा में। आई ईयर नोज में अगर हमको उस ड्रग को पहुंचाना है तब वहां पे क्या करेंगे, एज अ ड्रॉप, ऑइंटमेंट, नज़ल स्प्रे एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे कि अगर क्या होता है हमको सर्दी वगैरह भी होती है, ठीक है, तो ये अगर हमको नोज़ तक उसको पहुंचाना है ड्रग को तो क्या करते हैं, एज अ ड्रॉप पहुंचाते हैं या फिर ऑइंटमेंट या फिर नज़ल स्प्रे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे वही दिया है कि जिस साइड पे हमको ड्रग को पहुंचाना है तो किस किस फॉर्म में हम उसको पहुंचा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ दिया है एनल कैनाल, तो उसमें दिया है सुपोसाइटोरीज, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा, ठीक है, तो इनके हेल्प से पहुँचा सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे दिया है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और फिर दिया है वजाइना में। तो इसको एक बार आप रीड करेंगे तो आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। लोकल एक्शन का सेकेंड पॉइंट है डीप टिश्यू रूट। फर्स्ट था टॉपिकल रूट। टॉपिकल रूट में भी क्या करते थे, दो टाइप से हम उसको अपने बॉडी के अंदर उसको एडमिनिस्टर्ड कर सकते थे, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से। फिर सेकेंड यहाँ पे डीप टिश्यू रूट, इसमें क्या दिया है, फॉर दी लोकल एक्शन इन डीप टिश्यू एरियाज दी ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाई यूजिंग निडल एंड सीरिंज। एग्जाम्पल में दिया है थ्रो इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन, इंट्रा थेकल इंजेक्शन एंड रेट्रो बल्बर इंजेक्शन, ठीक है। क्या बोल रहा है इसमें कि अगर डीप टिश्यू एरियाज में हमको क्या करना है, लोकल एक्शन कराना है, मीन्स क्या करना है, ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कराना है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निडल और सीरिंज के यूज से करा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ दिया है जैसे कि इंट्रा आर्टिक्यूलर इंजेक्शन को यूज़ करके, इंट्रा थेकल इंजेक्शन को यूज़ करके और रेट्रो बल्बर इंजेक्शन को यूज़ करके हम डीप टिश्यू रूट को हम डीप टिश्यू रूट में हम उसको पहुँचा सकते हैं, उसके थ्रू हम उसको पहुँचा सकते हैं, ठीक है, निडल और सीरिंज को यूज़ करके ड्रग को पहुंचा सकते हैं। फिर यहाँ पे थर्ड पॉइंट दिया आर्टेरियल रूट टू लोकलाइज द इफेक्ट फॉर लिम्ब मैलिग्नेंसी, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन ऑफ एंटी कैंसर ड्रग कैन बी इन्फ्यूज्ड इन फेमोरल और ब्रांचियल आर्टरी। सिमिलरली क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन इज यूज्ड फॉर कंट्रास्ट मीडिया इन एंजियोग्राफी, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें लिम्ब मैलिग्नेंसी के इफेक्ट के लिए अगर हमको क्या करना है कि ड्रग को हमारी बॉडी में, क्या ह्यूमन बॉडी में अगर पहुंचाना है तब वहाँ पे आर्टेरियल रूट का यूज़ करते हैं, तो अगर लिम्ब मैलिग्नेंसी इफेक्ट के लिए अगर कराना है तो वहाँ पे इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन होता है एंटी कैंसर ड्रग का, उसको इन्फ्यूज्ड करते हैं फेमोरल और ब्रांचियल आर्टरी के साथ। वैसे ही क्लोज इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन जो रहता है उसको यूज़ करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के लिए एंजियोग्राफी में, ठीक है। तो ये जो था ये पूरा क्या था, लोकल एक्शन, ठीक है। तो रूट जो है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट जो है वो दो टाइप से हो सकते हैं, एक तो लोकल एक्शन, एक सिस्टेमिक एक्शन। तो अभी जितना भी लर्न किए वो कितना, वो क्या था, स्टडी किए जो भी, वो लोकल एक्शन था, ठीक है, जिसमें कि तीन टाइप से हम लोकल एक्शन करवा सकते हैं। फर्स्ट है टॉपिकल रूट से भी करा सकते हैं, डीप टिश्यू रूट से भी, और आर्टेरियल रूट से भी करा सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो है सिस्टेमिक एक्शन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेकेंड जो रूट है वो है सिस्टेमिक एक्शन। नाउ वी विल डिस्कस सिस्टेमिक एक्शन। लोकल एक्शन मीन्स कहीं पर्टिकुलर एक एरिया पे, पर्टिकुलर बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के पर्टिकुलर जगह पे अगर कोई हमको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कराना है उसके लिए हम लोकल एक्शन को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमको पूरे ह्यूमन बॉडी में, पूरी होल बॉडी में अगर हमको ड्रग को एडमिनिस्ट्रेशन कराना है तब वहाँ पर सिस्टेमिक एक्शन जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो लोकल एक्शन जो है वो अलग होता है, सिस्टेमिक एक्शन अलग, मतलब एक किसी पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए बोलना चाहिए या फिर पर्टिकुलर कोई प्लेस के लिए अगर हमको कराना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तब वहाँ पे हम लोकल एक्शन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर कहीं हमको पूरे, कहीं नहीं, पूरे होल बॉडी में अगर ह्यूमन बॉडी में कराना है तब वहाँ पे सिस्टेमिक एक्शन यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होता है कि अगर ड्रग को हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो वो पूरे होल बॉडी में क्या होता है, सर्क्यूलेट होता है,
ठीक है, तो इसमें क्या दिया है, फॉर दिस सिस्टेमिक एक्शन द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय सिस्टेमिक रूट एंड एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द डिजायर्ड साइट ऑफ एरिया। देयर आर फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सिस्टेमिक एक्शन। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, सिस्टेमिक एक्शन के लिए ड्रग एडमिनिस्टर्ड होता है सिस्टेमिक रूट से, ठीक है, सिस्टेमिक रूट से, और एब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड से, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिजायर्ड साइट ऑफ एरिया, जहाँ जहाँ पर उसकी ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। ठीक है, जैसे कि वहाँ तो क्या दिया था, क्या बोलते हैं, स्किन में दिया था, ठीक है, लोकल एक्शन में क्या दिया था, स्किन में जैसे दिया था, तो स्किन में एक पर्टिकुलर एरिया पे, ऐसा तो नहीं होगा पूरे ह्यूमन बॉडी के पूरे स्किन में तुम वो पाउडर फॉर्म में लगा लिया, फिर स्प्रे क्रीम फॉर्म में लगा लिया, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर पोजिशन के लिए, प्लेस के लिए चाहिए, तो वहाँ पर लोकल एक्शन जो है उससे ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में देना है या फिर ज़्यादा एरिया के लिए देना है, तब वहाँ पर सिस्टेमिक एक्शन को यूज़ किया जाता है, जिसमें कि ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब्ड होता है ब्लड के थ्रू, और वो पूरे ह्यूमन बॉडी में, होल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया पे उसकी डिज़ायर्ड होती है वहाँ वहाँ पर वो एडमिनिस्टर्ड होता है। और यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दी हुई है सिस्टेमिक एक्शन की, तो इसमें फर्स्ट है ओरल रूट, बकल और सबलिंगुअल रूट, रेक्टल रूट, क्यूटेनियस रूट, इन्हेलेशन, नेसल रूट, पैरेंटेरल रूट। ठीक है, जिसमें कि फर्स्ट जो है वो ओरल रूट है, वो क्या बोलता है कि दी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज सेफर, कॉमन, कन्वीनियंट, चीपर, पेनलेस एंड ओल्डेस्ट रूट, बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोसेज फॉर्म कैन बी गिवन बाय दिस वे। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे पढ़े थे लोकल एक्शन में दिया हुआ था टॉपिकल रूट, टॉपिकल रूट में दो टाइप से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं, लोकल एक्शन अगर हमको ड्रग एडमिनिस्टर्ड करना है तो हम दो टाइप से कर सकते हैं, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो भी डिपेंड करता है कि किस साइड पे हमको देना है, तो जिस साइड पे अगर हम देंगे तो उसको कौन से फॉर्म में हम उसको दे सकते हैं, वो चीज़ें स्टडी किए थे। वैसे यहाँ पे दिया है बकल, ओरल रूट दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर ओरल रूट मीन्स अगर हमको अपने माउथ से अगर उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कराना है, मतलब हमारा ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको डालना है, तो वो भी क्या होता है कि वो भी तो वो होगा ना, मैटर करेगा कि वो जो ड्रग दे रहे हैं वो कौन से फॉर्म में है। ठीक है, तो ओरल रूट से जब भी ड्रग दिया जाता है तो वो या तो सॉलिड या फिर लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, और ओरल रूट जो, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग जो होता है वो मोस्ट कॉमन, कन्वीनियंट और चीपर, पेनलेस और ओल्डेस्ट रूट होता है, मतलब सबसे पुराना रूट माना जाता है ओरल रूट को। पेनलेस होता है क्योंकि हमको माउथ से लेना रहता है ह्यूमन बींग को, तो उसमें पेन का कोई बात ही नहीं है, इसलिए पेनलेस होता है और चीपर होता है। ठीक है, फिर सेकेंड है बकल और सबलिंगुअल रूट। बकल और सबलिंगुअल रूट में क्या दिया है, बाय दिस रूट दी ड्रग इज किप्ट अंडर दी टंग और क्रस्ड इन दी माउथ एंड स्प्रेड ओवर दी बकल म्यूकोजा, ओनली लिपिड सॉल्यूबल एंड नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स कैन बी टेकन बाय दिस वे, वेयर एब्जॉर्प्शन इज टू फास्ट एंड एक्शन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, बकल और सबलिंगुअल रूट जो है उसमें क्या होता है कि इस रूट में क्या करते हैं कि वो ड्रग को किप करते हैं अपने टंग के नीचे। ठीक है, टंग के नीचे उसको रखेंगे या फिर उसको माउथ से क्रश करते हैं अपने, और वो पूरे बकल म्यूकोजा में क्या होता है, स्प्रेड हो जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, सिर्फ लिपिड सॉल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स जो होते हैं वो इस वे से टेकन होते हैं, जहाँ जिससे कि एब्जॉर्प्शन जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है और वो एक्शन जो है वो कुछ ही मिनट में प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो जब भी बकल और बकल रूट से हम ड्रग को लेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, लिपिड सॉल्यूबल और नॉन इरिटेटिंग ड्रग्स के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और जो हमारा एक्शन जो होना है, ठीक है, जिस चीज़ के लिए ड्रग को ले रहे हैं वो भी कुछ मिनट में स्टार्ट हो जाएगा। ड्रग एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली आर क्लोनाइडीन, मेथिल टेस्टोस्टेरोन, आइसोप्रिनालीन एक्सेट्रा। ठीक है, ड्रग एडमिनिस्टर्ड सबलिंगुअली जो ड्रग हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं, ठीक है, मीन्स अगर किसी ड्रग को देना है सबलिंगुअली तो वो कौन से ड्रग हो सकते हैं, तो इसमें दिया हुआ है क्लोनिडाइन, मेथिल टेस्टोस्टेरोन, आइसोप्रिनालीन एक्सेट्रा, ये सारे ड्रग्स को हम सबलिंगुअली ले सकते हैं। फिर थर्ड है रेक्टल रूट, दिस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट इज़ हैविंग रिकरेंट वॉमिटिंग
और ये रेक्टल रूट बोल रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर इस रेक्टल रूट को तभी हम यूज़ कर सकते हैं, इस टाइप के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब पेशेंट को क्या होगा, रिकरेंट वॉमिटिंग, मतलब कि कंटिन्यूसली जब उसको वॉमिटिंग होती है उस टाइम पे रेक्टल रूट को यूज़ किया जाता है। इट इज़ एन इरेग्युलर, इनकन्वीनियंट, पेनफुल, अनप्रेडिक्टेबल एंड एम्बेरसिंग वे वेन सर्टेन अनप्लीजेंट एंड इरीटेटिंग ड्रग्स कैन बी पुट इन टू रेक्टम एज सपोजिटरीज फॉर सिस्टेमिक एक्शन। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि एक इरेग्युलर, इनकन्वीनियंट और पेनफुल, अनप्रिडिक्टेबल, एम्बेरसिंग वे होता है, ठीक है, जो कि अनप्लीजेंट, जब अनप्लीजेंट इन इरिटेंट ड्रग्स को क्या करते हैं, पुट करते हैं रेक्टम में सिस्टेमिक एक्शन के लिए। ठीक है, सिस्टेमिक एक्शन मतलब पूरे होल बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कराने के लिए, एडमिनिस्टर्ड कराने के लिए। द एग्जाम्पल ऑफ सच ड्रग आर डाइएजेपम, एर्गोटीएमाइन, पैरल्डिहाइड, अमाइनोफाइलिन एंड इंडोमेथासिन एक्सेट्रा। द रेक्टल इन्फ्लेमेशन कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम दिज इरीटेंट ड्रग्स। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे दिए हैं, रेक्टल रूट से अगर कोई ड्रग को हमको क्या करना है, एडमिनिस्टर्ड कराना है, तो उसके लिए एग्जाम्पल है ड्रग के डाइएजेपम, अर्गोटीएमाइन, पैरल्डिहाइड, अमाइनोफाइलिन एंड एंडोमेथासिन एक्सेट्रा। और रेक्टल इन्फ्लेमेशन जो रहता है वो ऑल्सो कॉज होता है, वो रिजल्ट होता है इरीटेंट ड्रग्स से। ठीक है, तो इरीटेंट ड्रग्स जब रेक्टल रूट से लेते हैं तो उससे रेक्टल इन्फ्लेमेशन भी कॉज होने के चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है क्यूटेनियस रूट। इन दिस रूट द ड्रग कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन एन ऑइंटमेंट एंड अप्लाइड ओवर स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द स्किन। द लिवर इज बाईपास्ड बाय दिस मेथड फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ स्किन। हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग कैन बी अप्लाइड ओवर द स्किन। ठीक है, क्यूटेनियस रूट जो है उसमें क्या बोल रहा है कि इस रूट में ड्रग जो है उसको यूज़ करते हैं एज एन ऑइंटमेंट और उसको अप्लाई करते हैं स्किन के स्पेसिफाइड एरिया में, मीन्स जहाँ पे स्किन के जिस एरिया में ज़रूरत होगी कि वहाँ पे ड्रग का एक्शन करवाना है, सिर्फ वहीं पे एज अ ऑइंटमेंट इसको अप्लाई करते हैं स्पेसिफाइड एरिया में। और इसमें फॉर स्लो एंड प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ स्किन, स्किन अगर उस ड्रग को स्किन में काफ़ी टाइम तक अगर यूज़ करना है, ठीक है, तो उस टाइम पे हाईली लिपिड सॉल्यूबल ड्रग जो रहता है उसको अप्लाई करते हैं। इन्हेलेशन, जनरल एनेस्थेटिक, जैमिल नाइट्राइट एक्सेट्रा आर वॉलेटाइल ड्रग्स विच आर गिवन बाई इन्हेलेशन। जनरल एनेस्थेटिक, एमिल नाइट्राइट एक्सेट्रा, ये सारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल ड्रग्स होते हैं जिनको इन्हीलेशन के थ्रू दिया जाता है। The action of this route is very fast and the absorption of drug occurs by the surface of alveoli which can rapidly be eliminated in air when the administration is discontinued. इस एक्शन जो रहता है इस रूट के थ्रू वो बहुत फास्ट होता है, मीन्स अगर एक्शन कराना है, ठीक है, रिलीफ कराना है किसी भी चीज़ के लिए, तो अगर इस रूट से ड्रग का एडमिनिस्टर्ड किया जाता है तो वो बहुत फास्ट होता है। और ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है वो अकर्स होता है एल्वियोली के सरफेस के थ्रू होता है, ठीक है, और क्या होता है इसमें, जिससे कि एलिमिनेशन होता है एयर में, ठीक है, मतलब कि जो कि रैपिडली एलिमिनेट हो जाता है एयर में जब एडमिनिस्ट्रेशन उसका डिसकंटिन्यूड होता है, ठीक है, मतलब कि जब वो एडमिनिस्टर्ड उसको करा रहे हैं, तो ये वेरी फास्ट रूट होता है, बहुत जल्दी से एक्शन होता है। लेकिन जब वहाँ पे वो एब्जॉर्प्शन हो जाता है ड्रग का एल्वियोली के सरफेस से और वहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो वो क्या होता है, तुरंत एयर में एलिमिनेटेड हो जाता है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिसकंटिन्यूड होता है। In this route, the irritant vapors of ether may cause inflammation of respiratory tract. और इस route में irritant vapors जो होते हैं ether के, वो may cause करते हैं respiratory tract के inflammation को। फिर नेक्स्ट है नसल रूट। ओनली सर्टेन ड्रग्स सच एज GnRH agonist एंड डेस्मोप्रेसिन एडमिनिस्टर्ड एज अ स्प्रे और नेब्यूलाइज्ड सॉल्यूशन हैव बीन गिवन बाय नसल रूट। नसल रूट में क्या बोल रहा है कि कुछ ही ड्रग्स हैं, ठीक है, जैसे कि GnRH एगोनिस्ट और डेस्मोप्रेसिन, ये एडमिनिस्टर्ड होते हैं एज अ स्प्रे और नेब्यूलाइज्ड सॉल्यूशन जिसको नसल रूट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है, मीन्स यही दो ऐसे ड्रग हैं जिनको हम नसल रूट के थ्रू दे सकते हैं, एज अ स्प्रे भी दे सकते हैं, एज अ नेब्यूलाइज्ड सॉल्यूशन भी दे सकते हैं। द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज कैन क्विकली एब्जॉर्ब मेनी ड्रग्स एंड डाइजेस्टिव जूस।
म्यूकस मेम्ब्रेन जो होता है नोज का, वो क्या करता है क्विकली एब्जॉर्ब कर सकता है बहुत सारे ड्रग्स को और डाइजेस्टिव जूस को। फिर नेक्स्ट है पैरेंटेरल रूट। पैरेंटेरल रूट मतलब यहाँ दिया है पर मीन्स बायोन, एंटेरल मतलब इंटेस्टिनल, मतलब इंटेस्टाइन के बायोंड ये रूट जो है वो इंटेस्टाइन के बायोंड अगर हमको देना है कोई भी ड्रग को तब इस रूट को यूज़ करते हैं। दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस रूट इज़ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बाय डायबिटिक्स। डायबिटिक्स वेयर ड्रग डायरेक्टली रिचेज द टिश्यू फ्लूड और ब्लड विदाउट हैविंग टू क्रॉस द इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जो है इस रूट का, ठीक है, पैरेंटेरल रूट का, वो क्या होता है इंजेक्शन होता है इंसुलिन का जो कि डायबिटिक्स से देते हैं, ठीक है, थ्रू द डायबिटिक्स, जहाँ पर ड्रग जो है वो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूड या फिर ब्लड तक पहुँच जाता है, ठीक है, बिना इंटेस्टिनल म्यूकोजा को क्रॉस किए। The action of drug is faster, valuable in unconscious emergencies, but require assistance of another person. ठीक है, क्या बोल रहा है कि ये action जो रहता है drug का वो बहुत fast होता है। Action in the sense कि इसका जो work करना होता है drug का वो बहुत fast होता है और ये बहुत valuable होता है एमरजेंसीज़ में। ठीक है, जैसे कि एमरजेंसीज़ वगैरह होती है उसमें ये बहुत वैल्यूएबल होता है, लेकिन इसमें एक अनदर पर्सन का वहाँ पर होना ज़रूरी होता है। दिस रूट इज़ कॉस्टलियर, पेनफुल, नीड्स स्टेरिलाइज्ड प्रिपरेशन एंड मोर रिस्की, वेयर चांसेस ऑफ लोकल टिश्यू इंजरी आर ऑल्सो मोर कॉमन। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये रूट जो होता है वो बहुत कॉस्टलियर होता है, मीन्स अगर इस रूट के थ्रू अगर ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं तो वो काफ़ी कॉस्ट हमको देना पड़ता है, पेनफुल होता है और ये बहुत ज़्यादा रिस्की होता है जहाँ पर लोकल टिश्यू इंजरीज के चांस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर आर नो चांसेज ऑफ इंटरफेरेंस बाय फूड और डाइजेस्टिव जूस, यहाँ पर कोई भी चांस नहीं होता है इंटरफेरेंस का फूड और डाइजेस्टिव जूस से, मीन्स अगर फूड हम ले भी रहे हैं वहाँ पर तो वहाँ पर कोई भी चांस नहीं होता कि जब हम इंसुलिन को इंजेक्ट करा रहे हैं तो वहाँ पर वो इंटरफेयर करें। पेरेंटेरल रूट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन अनकॉर्पोरेटिव और वोमिटिंग पेशेंट। द चीफ पेरेंटेरल रूट्स आर, पेरेंटेरल रूट जो है वो ऑल्सो अप्लाई हो सकते हैं वोमिटिंग पेशेंट में भी और अनकोऑपरेटिव पेशेंट में भी। और कुछ इंपॉर्टेंट पेरेंटेरल रूट हैं तो यहाँ पे फोर रूट दिए हुए हैं। फर्स्ट है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्राविनस इंजेक्शन, इंट्राडर्मल इंजेक्शन, जिसमें कि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो था ये डिस्कस हुआ है ड्रग एब्जॉर्प्शन में। तो अगर इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप ड्रग एब्जॉर्प्शन का वीडियो जो है उसको देख सकते हैं। ड्रग एब्जॉर्प्शन से पहले ड्रग का इंट्रोडक्शन जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया और वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि ड्रग एब्जॉर्प्शन होता क्या है, उसके इफेक्ट क्या होते हैं, उसके सारे एडवर्स इफेक्ट, उसका मिनिमाइजेशन, टाइप ऑफ एडवर्स इफेक्ट और टाइप्स ऑफ ड्रग, ये सारे आपको ड्रग के इंट्रोडक्शन वाले वीडियोज़ में मिलेंगे और ड्रग एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड जो भी है वो आपको प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। Here the topic roots of drug administration is complete, which is taken from the medicinal chemistry MSc fourth semester chemistry. आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, लेकिन अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकता है और अगर किसी को PDF की रिक्वायर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल मिल जाएगा, जिससे कि आप मुझे ईमेल में मैसेज करिए तो मैं आपको इसका PDF सेंड कर दूंगी। और अगर आगे आप टॉपिक भी सजेस्ट करना चाहते हैं कि किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊँ MSc फोर्थ सेमेस्टर के, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं, देन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी उसी टॉपिक के बेसिस पर।